केदारनाथ में तीसरे दिन भी ऑपरेशन जिंदगी जारी है। हालांकि तीसरे दिन केदार घाटी में मौसम खराब होने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया है। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश और बादल फटने से गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग को भारी नुकसान पहुंचा है, जहां जगह जगह श्रद्धालु फंसे हुए हैं। बता दें, इन्हें सुरक्षित जगह पहुंचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। मुनकटिया से सोनप्रयाग के बीच पहाड़ी मार्ग में आज SDRF ने करीब 300 लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया है। न्यूज 18 की टीम भी ग्राउंड जीरो पर डटी हुई है। देखिए ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। न्यूज 18 की टीम भी डटी हुई है, आप देख सकते हैं जहां पर आपदा हुई है वहां पर न्यूज 18 की टीम भी मौजूद है और सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त। केदारनाथ में जो रेस्क्यू का काम चल रहा है वो उसका सबसे ज्यादा जो रेस्क्यू हो रहा है वो इन्हीं हेलीकॉप्टरों द्वारा हो रहा है। आप देख सकते हैं कि अभी हम सेरसी हेलीकॉप्टर से हम भी निकल गए, हम भी वो जगह देखने जा रहे हैं। उस न्यूज 18 की टीम आपको वो चीज दिखाएगी जहाँ पे किस तरह का रेस्क्यू चल रहा है, क्या कुछ चल रहा है, वो पूरा आपको नजर क्या कुछ रहा है। अभी आप देख सकते हैं हम यहाँ से निकल चुके हैं और यहाँ से निकलने के बाद अभी हम सेरसी हेलीपैड से यहाँ से निकलने के बाद हम पहुंचेंगे चीरबासा। चीरबासा ये वही हेलीपैड है जो आज ही तैयार किया गया है। हेलीपैड भले ही ये पुराना था लेकिन उसमें कई प्रकार की दिक्कतें, वहाँ पे पत्थर वगैरह काफी थे जिसके कारण वहाँ पे रेस्क्यू का काम नहीं हो पा रहा था। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि न्यूज 18 पर किस तरीके से अभी हम भी उस जगह पे जा रहे हैं कि क्या कुछ रेस्क्यू होता है, किस तरीके से रेस्क्यू हो रहा है। हम वो एक एक वो बिंदु एक एक वो चीजें वो दिखाएंगे कि क्या कुछ इस टाइम प्रशासन ने और वहाँ पे व्यवस्था की गई है, कर रही है, और साथ ही किस तरीके की आपदा है। आप देख सकते हैं कि अभी हम ठीक मंदाकिनी नदी के ठीक ऊपर है। मंदाकिनी नदी आप देख सकते हैं हमारे ठीक नीचे, सोनप्रयाग से नीचे आप देख कि किस तरीके से यहाँ पे आपदा दिख रही है। ये आपदा आप सोनप्रयाग से ऊपर देख सकते हैं कि कई जगह यहाँ पे जो लैंडस्लाइड हुआ है, आप देख सकते कई जगह लैंडस्लाइड हुआ है। यानी कि जो बुधवार को यहाँ पे जो बारिश आई थी वो बुधवार के दिन जो बारिश आई वो उसको काफी आपदा लेके आई। काफी जगह यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी हम ठीक सोनप्रयाग से ऊपर है, सोनप्रयाग से और अभी जो हम चीरबासा जाएंगे, चीरबासा ये वही वाला हेलीपैड है जहाँ पे आज SDRF की टीम ने जिस हेलीपैड को आज तैयार किया गया है, क्योंकि गौरीकुंड में हजारों की संख्या में जो करीब करीब 1000 लोग बताए जा रहे हैं कि गौरीकुंड में फंसे हैं, उन लोगों को क्योंकि यहाँ पे जो रास्ता है वो पूरा टूट चुका है और उस रास्ता टूटने की वजह से उन लोगों को चीरबासा तक भेजा जा रहा है। चीरबासा से उन लोगों को इन्हीं हेलीकॉप्टरों के जरिए वहां से उनका रेस्क्यू किया जाएगा। अभी आप ठीक तस्वीरों में देख सकते हैं ये सामने ये गौरीकुंड दिख रहा है। गौरीकुंड से और जो सोनप्रयाग की दूरी है करीब 6 किलोमीटर सड़क की मार्ग से ये दूरी है, लेकिन सड़क 2-3 जगह बीच में टूट चुकी है जिस कारण लोग वहां से सोनप्रयाग नहीं आ पा रहे हैं। और जो रेस्क्यू के लिए जो जगह SDRF ने जो रास्ता तैयार किया था वो रास्ता भी लगातार बारिश के चलते वो वहां भी पत्थर तरक रहे हैं और पहाड़ भी तरक रहा है, जिस कारण अब ये निर्णय लिया गया कि गौरीकुंड में जितने लोग हैं उनको चीरबासा यानी कि यहाँ से उल्टा ऊपर केदारनाथ की तरफ यहाँ से भेजा जाएगा और चीरबासा से इन हेलीकॉप्टरों के माध्यम से ही उन लोगों का रेस्क्यू किया जाएगा। क्योंकि रेस्क्यू करने के लिए यहाँ पे सबसे ज्यादा जो कठिन दिक्कतें कर रही है वो कर रहा है मौसम यहाँ पे सबसे ज्यादा दिक्कतें बना रहा है। आप देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पे बारिश शुरू हो गई है। हेलीकॉप्टर के जो आगे का जो एरिया है, आगे का जो शीशा है, उसमें आप देख सकते हैं कि बारिश स्टार्ट हो गई है, बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई है। क्योंकि मौसम सबसे बड़ा रेस्क्यू यहाँ पे रेस्क्यू में सबसे बड़ा अड़ंगा डाल रहा है। आप देखते हैं कि यहाँ पे लोग अलग अलग जगहों पे दिख रहे हैं, अलग अलग पैच में दिख रहे हैं। भले ही SDRF NDRF की टीम यहाँ पे उन लोगों को निकालने की पूरी कोशिश कर रही है। आप देखते हैं अभी भी यहाँ पे हर एरिया में जो लोग फंसे दिख रहे देखे जा सकते हैं और ये वही चीरबासा का ये हेलीपैड है जो ठीक 1 किलोमीटर ऊपर है गौरीकुंड से, और 1 किलोमीटर की चढ़ाई फिर अब उन यात्रियों को यहाँ पे आके देखनी पड़ेगी। अब उसके बाद यहीं से इनका यहाँ से रेस्क्यू किया जाएगा। आप देख सकते तमाम लोग वहाँ पे खड़े हैं जिनका रेस्क्यू होगा और अब हम भी यहाँ पे चीरबासा पहुंच चुके हैं और हम भी
वो पल पल वो चीजें दिखाएंगे, जिस तरीके के लोग यहाँ पे आ रहे हैं, लोग फंसे हैं, उन लोगों को किस तरीके की दिक्कत है, वो हर चीज आपको हम अपनी न्यूज 18 में दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके अब हम भी यहाँ पहुंच चुके हैं और अब हम हर वो पल दिखाएंगे जिस तरीके से यहाँ पे लोगों को। अब देख सकते हैं लोग यहाँ पे बाहर आ रहे हैं, अब हम यहाँ से लोग यहाँ आप अभी हम यहाँ चीरबासा का ये हेलीपैड है, हल्की हल्की बारिश यहाँ पे लगी है और यहाँ पे रेस्क्यू का काम जारी है क्योंकि स्थितियां ये बनी है कि आप देख सकते हैं हम इसी हेलीकॉप्टर से यहाँ पहुंचे थे, अब ये हेलीकॉप्टर यहाँ से लोगों को रेस्क्यू करके लेके जा रहा है। यानी कि जो लोग यहाँ फंसे हैं, जो गौरीकुंड में लोग फंसे हैं, गौरीकुंड से उन लोगों को यहाँ पे पहुंचाया जाएगा। करीब 1 से 1.25 किलोमीटर की ये दूरी है गौरीकुंड से यहाँ तक की, और यहाँ पे जब ये लोग पहुंचेंगे तो यहाँ से उनका रेस्क्यू कर हेलीकॉप्टर के जरिए उन्हें भेजा जाएगा। कैमरा सहयोगी संदीप के साथ में सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज 18 चीरबासा। न्यूज 18 की टीम अभी चीरबासा पहुंच चुकी है। चीरबासा ये वही इलाका है जहां पे नया हेलीपैड अभी तैयार हुआ है और यहीं से अब रेस्क्यू का काम तेजी से किया जाएगा क्योंकि ये सबसे नजदीक का हेलीपैड है और करीब 3 से 4 मिनट में यहां से रेस्क्यू किसी भी यात्री का किया जा सकता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी जिस हेलीकॉप्टर से हम आए थे उससे जस्ट पहले ये हेलीकॉप्टर यहाँ से उड़ा था और उसके बाद अभी मात्र 3 से 4 मिनट में यहाँ पहुंच चुका है। केदारनाथ या मार्ग की हम बात करें तो जो बताया जा रहा है काफी डैमेज है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग पैचेस पे यहाँ पे काफी दिक्कतें आई हैं, काफी जगह टूटा है, यात्री अलग अलग पैचेस में फंसे हैं। उन यात्रियों को अब ये प्रशासन यहाँ पे लेके आने की कोशिश कर रहा है, प्रशासन उन सभी यात्रियों को यहाँ पे लेके आएगा और उसके बाद यहाँ से उनको हेलीकॉप्टर के जरिए उनका यहाँ से रेस्क्यू किया जाएगा। आप अभी हम देख ये वही केदारनाथ यात्रा मार्ग है जहाँ से यात्री पैदल जाते हैं और पैदल यहीं से आप यहाँ से ठीक ऊपर भीमबली है, फिर भीमबली से पहले ही बताया जा रहा है कि एक बड़ा सा पैच वहाँ टूटा है, वहाँ पे भीमबली में भी काफी जो लोग हैं वो फंसे हैं, उनको भी रेस्क्यू कर किसी भी प्रकार से यहाँ तक पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े बोल्डर यहाँ पे पहुंचे, ये पैच नीचे आ चुका है, यानी कि जो बुधवार की शाम को जिस तरीके की आपदा आई है उस आपदा के मंजर यहाँ साफ तौर पर देखने को मिल रहे हैं। आप देख सकते पत्थरों से जो यहाँ पे ये टीन शेड था ये पूरा टीन शेड नीचे आ चुका है, यहाँ पे जो रास्ता है वो रास्ता पूरा टूट चुका है क्योंकि अलग अलग जगह पे ये पैचेस है, ये रास्ता कई जगह टूट चुका है और जिस कारण यात्रियों को इस रास्ते में आने से अब दिक्कतें हो रही है। रेस्क्यू करेगा वो इन्हीं हेलीकॉप्टरों के द्वारा करेगा और इन्हीं से ही अब आगे रेस्क्यू किया जाएगा। कैमरा पर्सन संदीप के साथ सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज 18 चीरबासा। केदारनाथ यात्रा में सबसे जो खतरनाक एरिया है ये वही चीरबासा का सबसे ऊपर वाला एरिया है, यहाँ पे अक्सर पत्थर गिरने की संभावना बनी रहती है। आप देख सकते एक बोर्ड है यहाँ पे जंगल चट्टी, यहाँ से 1.5 किलोमीटर है जंगल चट्टी से पहले एक बड़ा पैच टूट रखा है जिस कारण इस भीमबली और जंगल चट्टी के बीच भी एक पैच टूट रखा है और भीमबली से नीचे नहीं जो यात्री आ पा रहे हैं उसका बड़ा कारण यही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बीते कुछ दिन पहले भी एक बड़ी घटना हुई थी, ऊपर से लगातार पत्थर आए थे और कुछ लोगों उस पत्थरों में यहाँ पे उन पत्थर से उन पे चोट लगी थी जिसका मौत का कारण भी वो पत्थर बने थे। लेकिन आप देख सकते हैं अभी हम उसी चीरबासा से ठीक ऊपर जंगल चट्टी की तरफ ये रास्ता जा रहा है और कहीं ना कहीं ये खतरा भी यहाँ पे सबसे ज्यादा रहता है क्योंकि पत्थर आप देख सकते हैं लगातार अभी भी बड़े बड़े बोल्डर बड़े यहाँ रास्तों में दिख रहे हैं क्योंकि बारिश भी लगातार स्टार्ट हो गई है और कुछ लोग सामने से देख सकते हैं, कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है कि ये यहाँ पे काम करने वाले लोग हों या यहाँ पे वो दुकानदार हो जिनका यहाँ पे दुकान है क्योंकि वो एक पैच है वहां तक पहुंचने के लिए एक पैच है जो टूट रखा है। अभी हम आप तक वो दृश्य दिखाएंगे, वो दृश्य दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे कि किस तरीके से अलग अलग जगहों पे अलग अलग पैचेज में यह रास्ते यात्रा का जो ये मार्ग है ये टूटा है क्योंकि बुधवार की जो रात थी
उस रात को काफी जगह काफी भयंकर पानी आया था, और उस पानी आने से कई जगह जो तेज बारिश हुई थी, कई जगह उस बारिश के चलते क्लाउड बर्स की भी घटनाएं घटी थी। आप ये देख सकते हैं, ये सामने एक पैच दिख रहा है जिस कारण यात्री इस पार नहीं आ पा रहे, क्योंकि ये पूरा रास्ता डैमेज हुआ है। अलग अलग जगहों पे काफी भारी मात्रा में यहाँ नुकसान हुआ है। उस नुकसान की तस्वीरें ये देखिए, आपको मैं वो तस्वीरें सीधे न्यूज 18 पे आप देख सकते हैं कि केदारनाथ यात्रा के दौरान किस तरीके से आपदा आई है, केदार घाटी में किस तरीके से घाटी की किस तरीके से डरावनी ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि ऊपर से, यानी कि काफी ऊपर से यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है, और लैंडस्लाइड होने से यहाँ काफी नीचे तक ये पूरा रास्ता डैमेज हो चुका है। यहाँ पे कुछ लोग नीचे आ रहे हैं, और कुछ आप लोग कहाँ जा रहे हैं? सर हमारे घोड़े फंसे हैं वहाँ पे। अच्छा, बहुत बुरी स्थिति है यहाँ पे। तो जंगल चट्टी का रास्ता ठीक है, घोड़े के लिए खाने के लिए ले जा रहे हैं। अच्छा, क्योंकि इन लोगों के घोड़े खच्चर वहाँ फंसे हैं, और ये लोग उनके लिए खाने पीने की सामान ले जा रहे हैं, क्योंकि जंगल चट्टी में काफी नुकसान बताया जा रहा था। जंगल चट्टी से पहले भी एक पैच है, और एक पैच ये है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आम इंसान ढंग से नहीं जा पा रहा। क्या नाम है आपका, कहाँ से आ रहे हैं? भैया हम केदारनाथ से आ रहे हैं। केदारनाथ से तो पैदल ही आ रहे हैं? जी जी पैदल। कितनी दिक्कतें हैं भैया? कोई हद नहीं, गवर्नमेंट तो बिल्कुल नहीं आया कि जो है। नहीं तो यहाँ पे रास्ते कितनी जगह टूट, रास्ते तो हर नाले पे रास्ता टूटा हुआ, हर एक किलोमीटर के दरिया पे आपको ये मंजर दिखेगा। अच्छा जी जी जी, काफी खतरनाक मंजर है बिल्कुल। आप जो ये आई हैं, ये केदारनाथ से आ रहे हैं, अकेले ही रास्ता लगे हैं, और इस तरीके के मंजर हर घाटी में है, हर जगह इस तरह के मंजर है, और ये मंजर कहीं ना कहीं वो तस्वीरें बताती है कि क्या कुछ बुधवार की रात को हुआ होगा। बुधवार की रात काफी कयामत की रात थी, लोग यात्रा पे थे, इसीलिए हजारों की संख्या में पैचेज में लोग अलग अलग स्पॉट पे फंसे थे, और जिनको निकालने के लिए भले ही प्रशासन हर प्रकार की कोशिशों में लगा है, हेली सेवा लगातार चीरबासा से भीमबली से जारी है, भले ही मौसम भी इसमें बड़ा दुश्वार है, क्योंकि मौसम भी बारिश अभी आ रही है, तो भले ही अभी नीचे से हेलीकॉप्टर चल रहा है, लेकिन मौसम अभी देख सकते बारिश आ रही है, बारिश से कहीं ना कहीं रेस्क्यू के जो दौरान जो रेस्क्यू करना पड़ता है उसमें काफी दिक्कतें आती हैं। कैमरा सहयोगी संदीप के साथ मैं सत्येंद्र वर्तवाल, न्यूज 18 जंगल चट्टी।